स्टूडेंट्स, आई होप सो वीडियो मटेरियल आपको बहुत ज्यादा हार्ड नहीं लगा होगा एंड मैं इतना उम्मीद करता हूं कि जो नीट वाले बच्चे होंगे वो भी काफी हद तक समझ चुके होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां से आपको हां याद है मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वीडियो मटेरियल पे एक क्वेश्चन कराऊंगा एडवांस लेवल का, बट मेरे हिसाब से मैंने काफी समय दे दिया है और मैं हो सकूंगा तो इसे नेक्स्ट क्लास में या जो हमारा लास्ट दिन होगा डिस्कशन का या जो भी हमारा लास्ट लेक्चर होगा उसमें मैं उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ते हुए हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दो बातें, पहले तो आपको ये मीनिंग समझना पड़ेगा आखिर सॉल्यूशन क्या है। सपोज करो आप 1 लीटर पानी लेते हो, जब पानी है, सिर्फ जब आपके पास पानी है तो उसको आप क्या बोलोगे? तो आपसे बोलेगे इट्स अ प्योर सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं उसको? सॉल्वेंट बोलते हैं। लेकिन अगर उसी चीज में मैं नमक मिला दूं, उसी सॉल्यूशन मतलब उस वाटर में नमक मिला दिया, मैंने शुगर भी ऐड कर दिया और मेरा मन चाहे तो मैंने नींबू ऐड कर दिया, एक तरीके से आपको क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? शिकंजी बोलते हैं, नींबू पानी भी बोलते हैं इन चीजों को। तो ये एक तरीके के क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है जो बेसिकली मिक्स होने पर आपको एक प्रोडक्ट तैयार देता है जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। तो बेसिकली इसका मीनिंग ये हुआ कि सपोज करो आपके पास कोई डब्बा है जिसमें वाटर है, मतलब कोई सॉल्वेंट है लिक्विड, तो ये आपके पास क्या है? सॉल्वेंट है। इसमें आपने क्या ऐड कर दिया? कोई सॉल्यूट ऐड किया। क्या किया आपने इसमें? सॉल्यूट ऐड किया। तो फर्दर ये आपको क्या देगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या देगा आपको? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपको देगा सॉल्यूशन। क्या देगा आपको? सॉल्यूशन। तो बेसिकली आपकी मीनिंग समझ में आया, किसी दो चीज को मिक्स करने पर अगर वो होमोजेनियसली मिक्स हो रहा है तो उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। Solution is a homogeneous mixture of two or more component of two or more substance in which individual component will lost their identity and the component of solution are known as and component of solution are known as component of solution are known as solute and solvent। क्या बोलते हैं इसको? solute और solvent बोलते हैं। अच्छा एक मिनट जस्ट ओके ठीक है। नाउ आई होप सो यहां तक चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आपको मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर किसी दो चीज को आपने मिक्स किया, सपोज करें आपने क्या किया, दोनों चीजों को मिक्स किया और मिक्स करने पे कुछ तो आपको मिलेगा ना, लाइक कुछ तो आप प्रोडक्ट उसमें से गेन कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे सपोज करो मैं बोलता हूं लाइक से दूध और चीनी आपने मिक्स किया तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है? मीठा दूध मिलता होगा। इससे बात है मिल्क शेक, क्या एक तरीके का सॉल्यूशन ही होता है वो भी, बट इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट, राइट? डिफरेंट कॉम्पोनेंट का मिक्सचर मिलता है वो। तो गौरतलब की बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे आपको जो समझाने की कोशिश करो प्यारे बच्चों, समझे अगर आप समझने की कोशिश करो, तो सॉल्यूशन जो होता है वो मेरे दो कंपोनेंट कंटेन करता है। एक कंटेन करता है मेरा सॉल्यूट और एक कंटेन करता है मेरा सॉल्वेंट। एक कंटेन करता है सॉल्यूट और एक कंटेन करता है सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पे दो बात है, अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा सॉल्यूट और कौन सा सॉल्वेंट है? देखो जनरली क्या होता है कि हम ऐसा मानते हैं कि जो कंपोनेंट सबसे कम अमाउंट में उसको हम सॉलिड डिसाइड करते हैं और जो कंपोनेंट मेरा ज्यादा अमाउंट में है लाइक व्हिच इज इन बिगर या लार्जर क्वांटिटी तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पे
कॉम्पोनेंट विच इज सॉलिड के नीचे प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी नोन एज सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है मेरे लिए? कॉम्पोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। ये एक सॉल्यूट हो गया, ये क्या हो गया मेरे लिए? सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, बात थोड़े ध्यान समझना, क्या ये एग्जैक्टली सही डेफिनेशन है? तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं। क्यों? अब समझो बात को। अगर सपोज करो मैंने 500 ml दूध लिया और 500 ml वाटर लिया, क्या इन दोनों का मिक्स करने पर सॉल्यूशन बनेगा? बिल्कुल बनेगा सॉल्यूशन। लेकिन क्या अब ये डिसाइड कर सकते इसमें से सॉल्यूट कौन सा, इसमें से सॉल्वेंट कौन सा? नहीं। तो बेसिकली जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन ये होती है, अगर कोई सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी लूज करता है मिक्स होने पर, ध्यान रखना, अगर कोई सब्सटेंस आइडेंटिटी अपनी लूज करता है मिक्स होने पर, और जो सब्सटेंस आइडेंटिटी लूज करेगा मिक्सिंग के बाद, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। तो आई होप सो यहां तक आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी कि आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो बट ये कुछ डेफिनेशन है तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल मेरा सॉल्टेड वाटर। क्या मेरा सॉल्टेड वाटर? सॉल्टेड वाटर में दो बातें हो जाएंगी। सॉल्ट आपके लिए किसके जैसा एक्ट करेगा? सॉल्ट आपके लिए एक्ट करेगा सॉल्यूट के जैसा। वाटर किसके जैसा एक्ट करेगा? वाटर एक्ट करेगा मेरा सॉल्वेंट के जैसा। सॉल्ट किसके जैसा? सॉल्यूट के जैसा। और वाटर किसके जैसा एक्ट करेगा? सॉल्वेंट के जैसा। तो यहां तक आपको थोड़ी बहुत बेसिक डेफिनेशन समझ में आएगी आखिर सॉल्यूट क्या होता है, आखिर सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आएगा। जैसे सपोज एक और एग्जांपल के तौर पे बात करो, एग्जांपल में बात करो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यूरिया का क्या मतलब है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का सिंपल सा मतलब है, एक्वस मतलब जहां वर्ड एक्वस आया, किसी सॉल्यूशन में एक्वस वर्ड ऐड हो रहा है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि वाटर आपके लिए किसके जैसा बिहेव कर रहा है? सॉल्वेंट के जैसे बिहेव कर रहा है। किसके जैसे बिहेव कर रहा है? सॉल्वेंट के जैसे। और यूरिया एज इट इज आपके लिए क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। तो यहां तक पहले बच्चों आपको बात समझ में आएगी जो आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां तक मैं इतना समझ के चल रहा हूं कि ये चीज आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी, लिटिल बिट आइडिया लग रहा होगा। एक्वस मतलब वाटर, सॉल्वेंट हमेशा रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। किसकी बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन को दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, किसके बेसिस पे? कंपोनेंट के बेसिस पे हम आप इसको डिवाइड करेंगे। तो इसमें जो पहला आता है वो आता है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या आता है? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब ही क्या होगा? जिसमें दो कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे? दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी। और जनरली आपके सिलेबस में बाइनरी ही पढ़ना रहता है हमें। तो दो कंपोनेंट का मतलब ये हुआ कि हमेशा सॉल्यूट एक होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा। याद रखो, सॉल्वेंट सॉल्यूशन चाहे किसी भी टाइप का हो, बाइनरी हो या व्हाटएवर, सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है। भले आप सॉल्यूट ऐड, आप जैसे नींबू पानी बनाते, नींबू पानी में क्या करते, पानी ही तो सॉल्वेंट होता है, बाकी आप नमक डालो, जीरा डालो, नींबू डालो, मसाला डालो, व्हाटएवर, वो किसके जैसे एक्ट करता है? वो सॉल्यूट के जैसे एक्ट करता है। बट सॉल्वेंट तो आपके पास एक ही रहेगा। उसी तरीके से चाहे कोई भी सॉल्यूशन हो, सॉल्वेंट हमेशा एक रह सकता, बाकी सॉल्यूट आप नंबर ऑफ सॉल्यूट आप भले बढ़ा दो, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, सेकेंड थिंग आता है मेरा टर्नरी सॉल्यूशन। क्या होगा? टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन मतलब कितने? तीन कंपोनेंट वाले। कितने बेटा? तीन कंपोनेंट। तीन कंपोनेंट में भी क्या हो जाएगा? जिसमें सॉल्वेंट अभी मैंने आपको बताया सॉल्वेंट हमेशा एक रहेगा, और सॉल्यूट कितने हो जाएंगे आपके पास? दो सॉल्यूट हो जाएंगे। वैसे क्वार्टरनरी सॉल्यूशन मतलब चार कंपोनेंट। इस तरीके से हम ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो है अब किसके बेसिस पे हम करेंगे? इसको बेसिस करेगा ऑन द बेसिस ऑफ
बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। आखिर सॉल्यूट का अमाउंट कितना है उसके बेसिस पर हम सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे इसमें जो पहला पार्ट आता है वो आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या आ रहा है डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब नाम से ही आपको समझ में आता है डाइल्यूट, किसी चीज को आपने बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा पानी ऐड कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, आपने देखा होगा कि जब आप क्या करते हो, जब सब्जी बनाते हैं हम लोग घर पे, तो उसमें आपने देखा होगा जब मम्मी गलती से नमक ज्यादा डाल देती है तो उसमें क्या करते हैं हम, पानी ऐड कर देते हैं। पानी ऐड करने से क्या होता है, नमक का टेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। क्या नमक कम हो जाता है? नमक कम नहीं होता, नमक एज इट इज उतना ही रहेगा, लेकिन भले उसका जो पहले एक सपोज करो मम्मी ने पहले 500 ml डाला था पानी सब्जी में, 500 ml तो मैं बहुत ज्यादा बोलती है, 100 ml मान के चलते हैं। 100 ml में सपोज करो मम्मी ने 10 ग्राम डाला तो थोड़ा खारा लगने लग गया, और 100 ml डाल दूंगा तो थोड़ा सा खारापन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूट का अमाउंट तब भी उतना ही रहेगा। तो कहने का मतलब क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन, जहां किसी न्यूमेरिकल वर्ड में डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन आता है, इसका मतलब ये होगा कि सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो वेरी वेरी लेस है। क्या है? बहुत कम है, वेरी वेरी लेस, ठीक है। सेकंड पार्ट जो आता है वो मेरा आता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जब आप लेबोरेटरी वगैरह में जाओगे ना बेटा, तो आपको सॉल्यूशन हमेशा या तो डाइल्यूट में रहेगा या तो कंसंट्रेटेड। इसी तरीके से अगर आप पता नहीं 10th में आप गए हो कि नहीं गए केमिस्ट्री लैब में, तो केमिस्ट्री लैब में जनरली बॉटल्स में जो सॉल्यूशन रहते हैं वो या तो उसमें देखना या तो डाइल्यूट वर्ड लिखा रहता है या तो कंसंट्रेटेड वर्ड लिखा रहता है, तो उसका मतलब ये था डाइल्यूट मतलब उसमें पानी बहुत ज्यादा है और उस वो जो पर्टिकुलर सब्सटेंस का अमाउंट पानी में बहुत कम है। कंसंट्रेटेड मतलब क्या, सॉल्यूट बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट मोर, सॉल्यूट मोर, समझ, सॉल्यूट का मतलब अमाउंट बहुत ज्यादा है। आई बात समझ में यहां तक, ठीक है, ओके। नाउ अब हमें क्या होता है, कंसंट्रेशन का वर्ड समझना कि आखिर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। कंसंट्रेशन का वर्ड का मतलब ये होता है कि बेसिकली आप ये बोल सकते हो ये एक अमाउंट को बताता है सॉल्यूशन के अंदर कि भैया आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। याद रखना कभी भी वर्ड हम कंसंट्रेशन जो लगाएंगे या डाइल्यूट लगाएंगे तो बेसिकली अभी फिलहाल हमें कंसंट्रेशन पे पढ़ना, कहीं वर्ड कंसंट्रेशन का जिक्र हो रहा है इसका मतलब वो सिर्फ सॉल्यूट के बारे में बात कर रहा है। तो कंसंट्रेशन का मीनिंग ही होता है किसके लिए, कि हम उस दौरान सिर्फ सॉल्यूट की बात करते हैं, क्योंकि सॉल्यूट को निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म होते हैं। क्या होता है टर्म, जैसे आप WWE देखते होगे, ठीक है, आपने WWE में ऐसा देखा होगा कि किसी का वेट पाउंड में दिया हुआ है, किसी का वेट केजी में दिया हुआ है, ठीक है। तो मास ही होता है ना भैया, मास मतलब क्या, वेट, वेट निकालने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है भैया, हो सकता है कोई केजी में निकाल रहा, कोई पाउंड में निकाल रहा, कोई ग्राम में निकाल रहा, व्हाटएवर। उसी तरीके से किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो मुझे उसके कंसंट्रेशन टर्म से पता चलता है। किससे पता चलता है, कंसंट्रेशन टर्म से। ये आपको मैं भी डिटेल में सिखाऊंगा तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, कंसंट, इट इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू, इट इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू, इट इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, सॉल्यूट एंड इट इज defined as ratio of mass oblique volume oblique moles of solute to the mass oblique volume oblique volume of solution, ठीक है। तो जनरली कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, कंसंट्रेशन कुछ नहीं होता, कंसंट्रेशन का मीनिंग ये होता है बेसिकली कि रेशियो को डिनोट करता है। तो बेसिकली कंसंट्रेशन का मतलब क्या, बेसिकली इट इज अ रेशियो, रेशियो सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट सॉल्यूशन का, किसका, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। और एक कंसंट्रेशन वर्ड में सिर्फ सॉल्वेंट यूज करते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, सॉल्वेंट। तो ये क्या होगा, मास वॉल्यूम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या
सॉल्वेंट। तो बेसिकली कोई भी कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है बेटा, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म मेरा क्या होता है, एक रेशियो को डिनोट करता है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन का रेशियो। अब जैसे मार्क्स ऑब्टेन कैसे निकालते हो, अब जैसे सपोज करो 100 मार्क्स आपका मैथ्स का पेपर है, तो आप जब पेपर दे सपोज करो आपको 80 मार्क्स आए, तो आप उसका परसेंटेज कैसे बोलेंगे? भाई मैं पूछूंगा आपका मैथ्स का परसेंटेज कितना, तो आप क्या बोलेंगे? 80 अपॉन 100। 100 आपका क्या था? मैथ्स का टोटल मार्क्स था, आपने मार्क्स ऑब्टेन कितने किए? 80। तो उसी तरीके से क्या, तो भाई किसी सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में वो कैसे पता चलेगा? तो अगर मास दिया हुआ तो मास ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करो, वॉल्यूम दिया हुआ तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करो। इस तरीके से आपको क्या पता चलता है, इस तरीके से आपको उसका उसका अमाउंट या उसका परसेंटेज पता चलता है कि आखिर वो कितना प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, क्या होता है अगर मैं बात करूं नेक्स्ट चीज की, तो इसमें क्या होता है दो यहाँ पे जो होगा कंसंट्रेशन यूनिट की बात आएगी। अब किसकी बात आएगी, आखिर कंसंट्रेशन यूनिट क्या होता है? कंसंट्रेशन यूनिट इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला होगा मेरा ग्रुप ए, क्या होगा? ग्रुप ए। और क्या होगा? ग्रुप बी। अगर किसी बच्चे को फिर भी ये चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो अगर हर बच्चे से रिक्वेस्ट मेरी, आप तो घर में अभी देख रहे हो इस लेक्चर को, एक बार आप टूथपेस्ट अपना कोई भी आप जो टूथपेस्ट यूज करते हो उसमें देखना, उसमें जो जो टूथपेस्ट जिस जिस से बना हुआ है उसका वो परसेंटेज देता है कि ये इतना परसेंट से है, ये इतने परसेंट से है, ये इतने परसेंट से है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वो परसेंटेज की मतलब कंसंट्रेशन यूनिट दिख दिया हुआ रहेगा, तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि आखिर वो एक्चुअली में उसमें हर सॉल्यूट का परसेंटेज कितना है या किस तरीके से हमने लिया। तो हर कंसंट्रेशन यूनिट को दो तरीके से मैंने डिवाइड किया। पहला होगा मेरा वॉल्यूम डिपेंडेंट, क्या होगा? मेरा वॉल्यूम डिपेंडेंट। और दूसरा क्या होगा? मेरा मास डिपेंडेंट, क्या होगा? मेरा मास डिपेंडेंट। अब वॉल्यूम डिपेंडेंट अलग अलग क्यों लिया? क्योंकि वॉल्यूम डिपेंडेंट मतलब क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। वॉल्यूम डिपेंडेंट मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट, और मास डिपेंडेंट मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्या होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। क्यों? आपने देखा होगा आप किसी चीज को गर्म कर देते हो, उसका भले वॉल्यूम में थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, 100% चेंजेस आएंगे। अगर किसी चीज को हीट करते हो तो माइट पॉसिबिलिटी ये है कि उसके वॉल्यूम में हल्का चेंजेस आ जाए, बट उसके मास में कभी कोई चेंजेस नहीं आता। तो इसलिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट कर दिया। अब इसमें तीन टर्मिनोलॉजी है, तो पहला होता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, तो इसको हम लोग परसेंट वी बाय वी से डिनोट करते हैं। तो परसेंट वी बाय वी पहला कंसंट्रेशन यूनिट जो वॉल्यूम डिपेंडेंट, मतलब जो ये टर्मिनोलॉजी में सिर्फ हमें वॉल्यूम से रिलेटेड बात करनी है, इस टर्मिनोलॉजी में इस कंसंट्रेशन यूनिट में हम सिर्फ मास के टर्मिनोलॉजी पर बात करेंगे। और बेसिकली सब क्या है, सब यही बता रहा है कि आखिर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। कंसंट्रेशन वर्ड मतलब हर चीज को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, अगर आपको बहुत ज्यादा अगर टेंशन हो रही है तो एक एक चीज को मैं बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने वाला हूँ ताकि आपको फर्दर क्लियर हो जाए। ठीक है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, सेकंड है मेरा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, थर्ड वन इज मोलैरिटी, एंड फोर्थ वन इज नॉर्मलिटी, क्या होगा? नॉर्मलिटी। ठीक है, इसमें पहला हो जाएगा परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास जिसको हम परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा मेरा? सेकंड हो जाएगा मेरा मोल फ्रैक्शन, क्या हो जाएगा? मेरा मोल फ्रैक्शन। थर्ड वन हो जाएगा मेरा मोलालिटी, ये मोलालिटी, अच्छा ये मोलालिटी है और ये मोलालिटी है, LITY RITY ये अलग अलग है, सेम नहीं है, दोनों बातों में फर्क है। चौथा है पार्ट्स पर मिलियन, क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अब आपको आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप टूथपेस्ट वगैरह देखोगे तो उसमें ये टर्मिनोलॉजी आपको जरूर दिखेगा, परसेंट डब्ल्यू बाय बी पीपीएम। तो ये बेसिकली क्या बताता है कि वो ये बताता है कि आखिर ये कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है। बस अगर एक परसेंटेज बाय वॉल्यूम का तो मतलब हमें सारी रिलेटेड वॉल्यूम से ही बातें करनी है, वेट बाय वॉल्यूम मतलब वेट और वॉल्यूम का टर्मिनोलॉजी आ गया। हालांकि ये इसका सबका मतलब ये है कि सब एक्चुअली रेशियो ही डिनोट कर रहे हैं सॉलिड अपॉन सॉल्यूशन का, किसका रेशियो डिनोट करता है? सॉलिड अपॉन सॉल्यूशन का। ठीक है, तो
अब एक एक चीज पर हम डिटेल पे आते हैं। Now, अगर मैं बात करूं, अब हम एक-एक ग्रुप पहले डिस्कशन करेंगे ग्रुप ए का। किसका डिस्कशन करेंगे? ग्रुप ए का। ग्रुप ए में मेरा पहला क्या है? परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम को हम डिनोट करते हैं परसेंट वी बाय वी से। किससे डिनोट करते हैं? परसेंटेज वी बाय वी से। अगर मैंने परसेंटेज वी बाय वी कहीं वर्ड लिखा है, या मैंने बोला है कि सपोज करो आपके पास कोई सब्सटेंस है, लेट्स से आपके पास कोई सब्सटेंस, क्या सब्सटेंस बोल लो, सपोज करो 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एनओएच दिया हुआ, 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एनओएच। इसका मतलब ये हुआ 40 ml एनओएच प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। क्योंकि आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, परसेंटेज हमेशा हम किस में निकालते हैं? 100 में निकालते हैं। किस में निकालते हैं? 100 में। तो आपके लिए ओवरऑल टोटल तो चीज क्या होगा? 100। अब जो भी चीज दिया होगा उसका वो परसेंटेज हो जाएगा। सपोज करो मैंने बोला कि 20% इथेनॉल बी बाई बी है, तो 20% मतलब क्या? 20 ml इथेनॉल प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है कि बेसिक डेफिनेशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंटिंग 100 ml ऑफ सॉल्यूशन नोन एज परसेंट वी बाई वी। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा परसेंट वी बाई वी इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, जहां तक बात समझ में है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ऑब्वियस बात है, सॉल्यूशन किससे बना होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो इट मींस इट्स अ टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम किससे बना होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। यहां तक चीज आपको बात समझ में? तो दिस इज परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, आपको और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 30 ml ऑफ इथेनॉल एज mixed with 45 ml of water, calculate percentage V by V of ethanol। ठीक है, अब समझो क्वेश्चन देख के दो तीन बातें आप हमेशा एनालाइज किया करो। क्योंकि देखो कंसंट्रेशन टर्म यूनिट हमेशा किससे रिलेटेड होता है? हमेशा रिलेटेड होता है वो सॉल्यूट से। किसे रिलेट करता है? हमेशा सॉल्यूट से। तो कुछ मत करो, परसेंटेज वी बाय वी पूछा उसने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट कितना है। अब ये पहले आपको डिसाइड करना है सॉल्यूट सॉल्वेंट कौन सा है, इथेनॉल 30 ml ये 45 ml। तो साथ देख के पता चला 45 ml मेरा सॉल्यूट होगा, ये सॉल्यूट होगा, सॉरी 45 ml सॉल्वेंट होगा, 30 ml मेरा सॉल्यूट होगा। तो ऊपर 30, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका मतलब 30 + 45, क्योंकि आपको टोटल वॉल्यूम लेना। जब आप दो चीज को मिक्स करते हो, ऐसा समझो बेटा, आप दो चीज को मिक्स करोगे तो ऑब्वियस बात है वॉल्यूम हमेशा ऐड होगा। होगा कि नहीं होगा आप खुद से समझो। कि सपोज करो रू अफजा आप बनाते हो घर पे, सपोज करो आपके बहुत सारे मेहमान आए, बहुत सारे मतलब पूरी बोतल लग जाएगी आपको पूरे उस रू अफजा बनाने में। आप सपोज करो 1 लीटर पानी लेते हो, 2 लीटर पानी लेते हो, और 1 लीटर आपने रू अफजा लिया, तो दोनों को मिक्स करते तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो वैसे समझो दो चीज को आपको मिक्स करने पर वॉल्यूम हमेशा क्या होता है? बढ़ता। और ऑब्वियस सवाल है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो दैट्स नथिंग बट 30/75 × 100। तो ये 4, ये 3, तो दैट्स नथिंग बट 40% वी बाय वी, 40% वॉल्यूम दिया हुआ। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई बेटा? ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है?
हाउ मेनी एम एल ऑफ सॉल्यूट शुड बी एडेड, हाउ मेनी एम एल ऑफ सॉल्यूट How many ml of solid should be added in 300 ml of water? In 300 ml of in 300 ml of water to obtain a solution to obtain a to obtain a solution containing containing 80% volume of solvent, 80% volume of eighty percent by volume of solvent. समझे बात को? देखो अब यहाँ पे देखो जनरल एंट्रेंस में तो हम ऐसे क्वेश्चन तो भैया बोर्ड में आते हैं, मतलब ऐसे तो भूल जाओ कि क्वेश्चन तो कभी आने वाला नहीं है आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा आपको, उसने दिया हुआ है, पहले तो आप देखो अटेम्प्ट आपको पहले तो उससे करना वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना सॉल्यूट का वॉल्यूम निकालना, क्या निकालना सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज बाय वॉल्यूम, उसने किसका दिया हुआ सॉल्वेंट का, किसका दिया हुआ सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का 80% है तो 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम किसका होगा, वेरी गुड, सॉल्यूट का होगा ना भैया, 100 में 80% सॉल्वेंट है तो 20% क्या होगा सॉल्यूट होगा, तो 20 इधर हो गया ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मुझे पता नहीं है, और मिक्स कर रहा है 300 सॉल्वेंट में, तो 300 प्लस बी इनटू 100। अब यहां बच्चा मिस्टेक करता है, क्यों, वो डायरेक्ट क्या करता है नीचे 300 से डिवाइड करेगा और आंसर ले आएगा, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने मिक्स किया है। देखो शुड बी एडेड इन 300 ml, मतलब आपको ऐड करना है ना 300 के साथ, इसलिए अब यहां से सॉरी चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5, तो 300 प्लस बी is equal to 5V, so that's nothing but V equal to 75 ml। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया मेरे बच्चों क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब हम next concentration unit की तरफ समझ पढ़ते हैं, तो the next है percentage weight by volume, इसको हम denote करते हैं percent W by V, परसेंट डब्ल्यू बाई वी, नाम से समझ में, ऊपर तो भैया क्या लेना सॉल्यूट, नीचे सॉल्यूशन, तो जल्दी सोचो क्या होगा, ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हर चीज आपको 100 में लेना है, इसका मतलब डब्ल्यू ग्राम प्रेजेंट होना चाहिए 100 ml सॉल्यूशन में, क्या फिर से बोलो, डब्ल्यू ग्राम ऑफ सॉल्यूट शुड बी प्रेजेंट इन द 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसी को परसेंट वेट बाय वॉल्यूम बोलते हैं, तो इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट in gram should be present in 100 ml of solution, याद रखना सिर्फ एक concentration unit में आपका solvent आता, बाकी हर concentration unit में नीचे हम solution ही लेंगे, यहां तक आपको बात समझ में, तो percentage W by V का formula हो जाएगा weight of solute अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो दिस इज परसेंटेज वी डब्ल्यू बाय वी, तो यहां तक चीज आपको बात समझ में आ गई है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेन एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेन 30% W by V of urea, पहला है, what does it mean? इसका मीनिंग आपको बताना है, ठीक है? Second है, ठीक है? Second है, what weight of urea will be? What weight of urea will be, what weight of urea will be present in 5
से ओरली बता रहा हूँ मैं, ठीक है आप लिख लीजिएगा। 30% W by V, जल्दी बोलो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है 30% W by V ऑफ यूरिया का मतलब ये हुआ, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन बोला, क्या बोला? एक्वस मतलब सॉल्वेंट, क्या होगा आपके पास? वाटर होगा, समझो। तो 30% W by V का मतलब ये हुआ कि 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। फिर से बोलो क्या होगा? 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। तो सिंपल सा मीनिंग है, यूरिया मेरे लिए हो गया सॉल्यूट, सॉल्यूशन तो ऑब्वियस बात है एक्वस सॉल्यूशन है मेरा, तो 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। व्हाट वेट ऑफ यूरिया विल बी प्रेजेंट इन 5 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ओरली भी कर सकते हो, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ओरली समझो भैया 100 ml में 30 ग्राम वेट है यूरिया का, 100 ml में 30 ग्राम है, तो 1 ml में कितना होगा? 30/100, तो 5 ml में कितना होगा? 30/100 × 5, खत्म कहानी, इतनी करने की। लेकिन फिर भी आपको दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं, मुझे परसेंटेज वेट बाय वी W दिया हुआ, कितना दिया W बाय वी? 30 दिया हुआ उसने, ठीक है। व्हाट वेट तो पूछा है मुझे, और उसने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ? 5 दिया हुआ into 100, दिस और दिस कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? 15/10, दैट्स W, दैट्स नथिंग बट W बराबर 1.5। आप ऐसा भी कर सकते हो, बाकी आप न्यूमेरिकल मेथड भी कर सकते हो, ऐसे मतलब दैट चॉइस है, इसमें मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, आप जिस तरीके से भी जाना चाहते हो जा सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, देखो आप थोड़ा गौर कर रहे हो तो मैं आपको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कराता हूं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन आना चाहिए, जो एप्लीकेशन क्या होता है? न्यूमेरिकल होते हैं हमारे, ठीक है। बेसिकली याद रखना फिजिकल केमिस्ट्री से कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स, तो जिस बच्चे का फिजिक्स मैथ्स अच्छा उसकी फिजिकल केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली अच्छी ही रहेगी, ठीक है। Now, next question हमारा है, five moles of glucose are dissolved in 5 moles of glucose are dissolved in 1.1 kg of water, 1.1 kg of water, 1.1 kg of water, if density of solution is 1.25 gram per ml, then determine percentage W by V of glucose, percentage W by V of glucose, चल यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कोई चीज डायरेक्ट वे में नहीं दी आपको, मैंने इनडायरेक्ट वे में सारी चीजें आपको दी, और आपको पकड़ना ही की बात है, ठीक है। आपको देखो फॉर्मूला होता है क्या, फॉर्मूला ये होता है percentage W by V का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ना समझना। अब आपके पास सॉल्यूट क्या भैया? सॉल्यूट तो आपके पास ग्लूकोज है, ठीक है। मैंने आपको 1.1 केजी सॉल्वेंट दिया, मतलब दिस इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, मैंने वॉल्यूम तो दिया भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक चीज दी है, डेंसिटी सॉल्यूशन का दे दिया, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है, तो आपको क्या पता करना पहले वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो मैं पता कर सकता हूं भाई 5 मोल्स का ग्लूकोज है, तो वेट ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा? वेट ऑफ ग्लूकोज आपके पास हो जाएगा 5 into 180 मोल्स into मोलर मास, हमेशा आपको क्या देता है? वेट देता है मतलब 900 ग्राम, ये तो आपके पास वेट हो गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर जो आपके पास है वो कितना दिया हुआ? वो 1.1 केजी मतलब 1100 ग्राम दिया हुआ, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 2000, ठीक है। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? जल्दी बोलो, वेरी गुड, क्या है? डेंसिटी अपॉन मास, यही करेंगे ना, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, तो मास मेरे पास कितना है? 2000 अपॉन 1.25, तो ये ऊपर 2 चला जाएगा, ये 5 जा, ये 4 जा, ये 400, तो ये हो जाएगा 1600 ml, कितना हो जाएगा? 1600 ml।
therefore the percentage W by V क्या हो जाएगा, percentage W by V हो जाएगा मेरे पास weight of solid कितना है 900 upon 1600 into 100, तो ये मेरे हिसाब से ये जो आंसर आता है ये आ जाएगा आपका 56.25%। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है चीजें आपको निकालनी पड़ती है, बट इनडायरेक्ट वे में देखो कभी भी एक बात ये याद रखना, फॉर्मूला यही है, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे इसमें से मिसिंग डाटा रहेगा, वो आपको निकालना, अब चॉइसेस जो है आप उसको कैसे निकालते हो या किसी चीज को आप कैसे समझते हो वो आप पे डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, नाउ अगर मैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारा है मोलरिटी। क्या हुआ है मेरा मोलरिटी, इसको हम याद रखना कैपिटल एम से डिनोट करते हैं बेटा, किससे डिनोट करते हैं कैपिटल एम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसको हम किससे डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। ठीक है, तो क्या होता है भैया मोलरिटी देख देता हूं, इट इज डिफाइंड अगेन ये भी सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, बट चीजें यहां पे चेंज हो जाएंगे, यहां पे इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या पर लीटर, आप बेसिकली करो ज्यादा अच्छा, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा मोलैरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको मोलैरिटी। आई होप सो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ गई तो आप प्लीज टूथपेस्ट के पीछे जाके देखो, उसमें ppm दिया होगा, w by v दिया होगा, v by v, इवन तो आपको कफ सिरप में रहता है ना, कफ सिरप में देखो, कफ सिरप में लिखा रहता है 20% अल्कोहल v by v, 20% अल्कोहल का मतलब क्या होगा, 20% अल्कोहल का मतलब भैया 20 ml अल्कोहल है 100 ml सॉल्यूशन में, तो ये v by v का मतलब ये होता है। अभी आप कभी गौर से देखना, या कोई भी आपके पास कफ या कोई भी पीने वाली दवाई होगी ना, उसमें देखना v by v के फॉर्म में हर चीज लिखी हुई रहती है। ठीक है, तो प्लीज आप एक बार चेक करिएगा, या टूथपेस्ट के पीछे या कोई भी सामान आप व्हाटएवर कॉस्मेटिक सामान लेते हो, केमिकल चीजें से जो भी केमिकल कंपोजिशन से बनी हुई रहती है उनमें ये सब चीजें कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी लिखी हुई रहती है, ये आपको पता होनी चाहिए बेटा, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आपको ये सब आइडिया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, इसका मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं कैपिटल एम, ये हो जाता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें लीटर में ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आई बात समझ में, सॉरी 100 नहीं होगा, तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है, ये मेरा किसका फॉर्मूला है मोलैरिटी का फॉर्मूला बेटा याद रखना। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है मोलैरिटी का। अगर इसको मैं ऐसा भी चेंज कर सकता हूं, मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब n और v मतलब वॉल्यूम इन लीटर, ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। क्या मैं मोल्स को वेट अपॉन मोलर मास लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो एक और फॉर्मूला क्या हो जाता है वेट अपॉन मोलर मास इनटू 1 बाय v इनटू 1 बाय v, ये कब होगा जब लीटर में होगा, क्या होगा जब लीटर में होगा। देखिए एक और फॉर्मूला ये हो जाता है w बाय m एज इट इज रहे, लेकिन अगर वॉल्यूम ml में है, वॉल्यूम किस में है ml में है, तो आप ऊपर क्या कर दो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आप मोलरिटी का मेरा थर्ड फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, w into 1000 by m into v, लेकिन ये v किस में है मेरा ml में। अब देखो ध्यान से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने बोला कि आपके पास 5 मोलर सॉल्यूशन, क्या है 5 मोलर सॉल्यूशन है, तो 5 मोलर सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि 5 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। फिर से रिपीट करो मेरे साथ, 5 मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो 5 मोलर सॉल्यूशन का मतलब ये होता है। यहां तक चल आए हो, यहां तक चीजें बात समझ में आ रही होंगी। चलो मैं लिख देता हूं, मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या होगा कि 5 मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ
सॉल्यूशंस। तो यहां तक चीज आपको समझ में आ गई, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, ठीक है। नाउ कभी कभी वर्डिंग में आपको समझना है, जैसे सपोज करो m मोलर है मेरा, क्या है m मोलर है, m मोलर मतलब क्या है मेरा कि m मोल्स मेरे पास, या फिर ऐसा समझो नॉट मोलर, ऐसे सिर्फ मोलर वर्ड आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ मोलर, ठीक है। तो इस मोलर का मतलब m मतलब क्या होगा, वन मोल प्रेजेंट इन वन लीटर सॉल्यूशन, वन मोल प्रेजेंट है वन लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। अगर आपको कहीं न्यूमेरिकल में सेमी मोलर लिखा हुआ है, सेमी मोलर मतलब m by 2, m by 2 का मतलब ये होगा कि वन हाफ मोल प्रेजेंट है वन लीटर सॉल्यूशन में। अगर आपको पेंटी मोलर लिखा हुआ है, पेंटी मोलर का मतलब ये होगा m by 5, मतलब 1/5 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। अगर आपको सपोज करो डेसी मोलर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है डेसी मोलर, डेसी मोलर मतलब क्या होगा m by 10, मतलब क्या होगा 1/10 प्रेजेंट है 1 लीटर, 1/10 मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो ये सब वर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि आखिर में क्या कहना चाहता हूं। देखो अब यहां से एक और कहानी में ट्विस्ट आती है, डरो मत, अच्छी ट्विस्ट है, कहीं पता चलेगा आप डर गए तो कहानी खत्म हो जाएगी फिर तो। देखो जनरली क्या होता है ना, बच्चा पहले एक चैप्टर को देख के बहुत डर जाता है कि भैया मोल ऐसा है तो पूरी केमिस्ट्री होगी ऐसे, ऐसा जरूरी नहीं बेटा। हमेशा रखना, अगर आपको कोई एंट्रेंस क्रैक करना है तो आपका केमिस्ट्री पार्ट सबसे स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही केमिस्ट्री करवाता है, क्योंकि सबसे इजी टॉपिक ही केमिस्ट्री में होता है। क्योंकि आप जनरली आप किसी भी रैंकर से या कोई भी रैंक, जब मैंने भी अपने जमाने में आईआईटी देते तो 2011 में मैंने भी जेई क्वालिफाई किया था, तो मेरा मैथ्स बहुत अच्छा नहीं था, हो सकता है कि भाई सबके अपने अपने सब्जेक्ट्स के चॉइस होते हैं, तो मेरा मैथ्स बहुत अच्छा नहीं था, बट मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा था। तो मैं तो हर स्टूडेंट को ये बोलूँगा, आप हर सब्जेक्ट में इक्वली ध्यान दीजिए, और केमिस्ट्री में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करिए, क्योंकि केमिस्ट्री हर एंट्रेंस में इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, मतलब यू कैन स्कोर वेल इन दैट एग्जाम, मतलब इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट, ओके। तो चलो खैर बातें बहुत हो गई, तो लेट अस कंटिन्यू अवर टॉपिक। नाउ एक क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन कौन से पहले आपको कौन सा बताना था, जैसे हम मोल्स निकालने के कितने तरीके थे, पहला फॉर्मूला था वेट अपॉन मोलर मास जो मैंने बेसिक में बताया था, दूसरा फॉर्मूला क्या था, अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया होता, अगर वाटर से डिवाइड करो तो भी आप क्या निकाल सकते हो मोल्स निकाल सकते हो। तीसरा फॉर्मूला दिया था अगर गैसेस कंडीशन में है मोल, अगर किसी गैस का आपको मोल्स निकाला और उसका वॉल्यूम बताया एसटीपी कंडीशन पे, तो आप क्या करोगे वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4, आप उससे भी मोल्स निकाल सकते हैं। अब एक तरीका ये है, यहां से देखो ये मोल्स है ये वॉल्यूम है, नाउ नेक्स्ट तरीका हमारे पास क्या हो जाएगा m into v, ये v किसमें होना चाहिए लीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे मोल्स बोल, इसको हम क्या बोलेंगे मोल्स, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यही मेरा किसमें दिया हुआ है ml में दिया हुआ, किसमें दिया हुआ है ml में, तो मोल अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिली मोल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा मिनी मोल्स, और मोल्स को मुझे मिनी मोल्स में कन्वर्ट करना तो क्या करूंगा 1000 से मल्टीप्लाई, और मिनी मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करना तो किसमें करूंगा मैं 1000 से डिवाइड, तो 10 मिनी मोल्स अलग होता है, हालांकि चीजें तो सेम ही रहती है, आई बात समझ रहे। तो ये चीजें याद रखना, अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे, अब तक मैंने आपको केमिकल रिएक्शन में क्या किया भाई, फलाने का इतना वेट है, फलाने का इतना वेट है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, फलाने का प्रोडक्ट का मुझे सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको क्या होगा आपको मोलरिटी दी जाएगी, या मोलरिटी और वॉल्यूम के फॉर्मेट में आपको चीजें दी जाएंगी। तो कुछ नहीं, मोल्स की जगह m into v करना, मोल्स की जगह आपको क्या करना m into v, खत्म कहानी बस। तो ज्यादा घबराने की हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ चलो एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, पहले एक दो तीन क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4, कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4, calculate weight of H2SO4 present in 200 ml of solution, 200 ml of decimolar solution, decimolar
सॉल्यूशन। देखो मैंने जानबूझ के यहाँ पे थोड़ा चेंज किया है, डेसीमोलर तुरंत मतलब मोलरिटी आपको कितनी दी हुई 1/10, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू बाय एम इंटू यहाँ पे वॉल्यूम कितना 1000 में है तो यहाँ पे 200 ले लूंगा। अब ये मोलरिटी कितनी दी हुई, डेसीमोलर 1/10, डेसीमोलर मोलरिटी 1/10, वेट ऑफ सॉलिड मुझे निकाल, मोलर मास कितना होगा 98 इंटू 1000 अपॉन 200, तो दिस नथिंग बट 5, तो W बराबर कितना हो जाएगा 98/50, तो ये मेरा क्या हो जाएगा वेट ऑफ व्हाट H2SO4, क्या हो जाएगा H2SO4। ठीक है, तो छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस दे रहा आपको सॉल्व करना है, ठीक है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, पहला है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर ऑफ, चलो पहला छोटा क्वेश्चन दिया है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है 1 लीटर सॉल्यूशन में, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है तो सिंपल सा फंडा है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है n बाय v, n मतलब कितना हो जाएगा 18 को डिवाइड करो 180 से तो 0.1 मेरे पास मोल्स हो जाएंगे, वॉल्यूम 1 लीटर है मतलब मोलरिटी कितनी है 0.1 mOq। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, छोटे छोटे बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले हम अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे। 2 मिलीमोल्स क्या है आपके पास, 2 मिलीमोल्स इन 200 ml, सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी मैंने आपको दे दिया कि ये जो मतलब वॉल्यूम है किसका है, सॉल्यूशन का है वॉल्यूम। ठीक है, तो अगेन देखो बेटा याद रखना, अगर ऊपर मिलीमोल्स है, ठीक है, एन बाई बी फॉर्मूला क्या होता है मोलरिटी का, एन बाई बी, तो ऊपर भी मिलीमोल्स है नीचे भी एमएल है, तो नो नीड टू चेंज, तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मिलीमोल्स कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, नीचे डिवाइड करूंगा मैं किससे 200 से, तो दैट्स नथिंग बट 0.01, क्या हो जाएगा 0.01। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, 5 मोल्स इन 200 ml सॉल्यूशन, इसका मोलरिटी आपको सपोज से निकालना है। अब समझो बात को, मोलरिटी ऊपर तो कितने दिए है 5 मोल्स, नीचे अब वॉल्यूम लीटर में लेना पड़ेगा क्योंकि ऊपर मोल्स है मिलीमोल्स नहीं, या तो इसको मिलीमोल्स में कन्वर्ट कर दो, या तो इसको एमएल में रहने दो, या तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, इसको मोल्स में रहने दो, दो बातें याद रखना। तो चलो मैं इसी को क्या कर दे रहा हूँ 0.2, क्या कर दे रहा हूँ मैं इसको 0.2 हो गया, हाँ राइट 0.2, इसको लीटर में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 50, तो दैट्स नथिंग बट 25 मोलर। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई, क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। नाउ फोर्थ क्वेश्चन आपका है, ये भी शॉर्ट छोटा ही ले रहा हूं मैं, 100 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl प्लस, अब मैंने इसमें क्या कर दिया 3.65 ग्राम ऑफ HCl, 3.65 ग्राम ऑफ HCl। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है, क्या निकालना है इसका मोलरिटी। पहले आपके पास सॉल्यूशन के पास ऑलरेडी कितना था, सॉल्यूशन के पास आपके पास ऑलरेडी ये था, उसमें आपने 3.65 ग्राम क्या कर दिए ऐड कर दिए, तो आपको नेट एग्जैक्ट क्या निकालना, मोलरिटी निकालना। तो सिंपल सा फंडा भैया, मोलरिटी का मतलब क्या होता है एन बाई बी होता है, तो पहले आपको टोटल मोल्स निकालो, वॉल्यूम आप टोटल निकालो, खत्म बात। तो आपको क्या है भैया, वॉल्यूम तो पता है 100 ml है, वॉल्यूम आपके पास क्या है 100 ml, लेकिन मोल्स आपको पता है क्या, मोल्स ऑफ एचसीएल नहीं पता, तो पहले मोल्स ऑफ एचसीएल निकालने पड़ेंगे। तो इस यहाँ पे पहले केस के लिए मोल्स ऑफ एचसीएल कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ एचसीएल हो जाएंगे 0.2 इंटू 0.1, क्यों मोल्स निकाल लो मैं, मिली मोल्स नहीं निकालो, तो वॉल्यूम को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.02। और इस केस के लिए मेरा मोल्स कितना हो जाएगा, 3.65 को डिवाइड कर दूंगा मैं 36.5 से, तो ये हो जाएगा 0.1, तो टोटल मोल्स आपके पास कितना हो गया, एंड टोटल आपके पास हो गया 0.1
वन टू, तो नाउ अगेन मॉलरिटी आपके पास क्या हो जाएगी, 0.12 डिवाइडेड बाय कितना 100 या 0.1, क्योंकि ऊपर मोल्स है तो नीचे आपको क्या रखना पड़ेगा, लीटर में रखना पड़ेगा, तो 100 को भी कर दिया तो ये हो जाएगा मेरा 1.2 मोलर, या कैपिटल एम से भी डिनोट कर सकते हो, दैट चॉइस इज योर्स, ठीक है, इसमें कोई गौरतलब वाली बात नहीं है, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, और अच्छे से हमें समझ में आए, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सेमी मोलर, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सेमी मोलर NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन required to neutralize 200 ml of decimolar H2SO4 solution, ठीक है। आपको दो बातें बता देना चाहता हूँ, ठीक है, ये बात आप प्लीज समझिएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले बोल दिया कि पहले वाले रिएक्शन वाले प्रॉब्लम में क्या होता था, मैं डायरेक्ट रिएक्टेंट के वेट देता था, आप स्टोइकोमेट्री से बाकी का दर इन्फॉर्मेशन निकाल देते थे। अब वेट नहीं देखे, मैं आपको मोलरिटी और वॉल्यूम दूंगा, तो उसको आपको कुछ नहीं करना, मोल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहले तो मैं रिएक्शन लिखूंगा, NaOH plus H2SO4 आपको क्या देगा, जल्दी बोलो बेटा, Na2SO4 plus H2O, plus क्या देगा, Na2SO4 plus H2O, यहाँ पे बैलेंस कर दिया 2 और यहाँ पे बैलेंस कर दिया 2, ठीक है। अब NaOH के बाद इन्फॉर्मेशन उसने क्या दिया, वॉल्यूम निकालना है आपको, ठीक है, ये वॉल्यूम निकालना है किसका, NaOH का, तो इसको छोड़ दो, लेकिन इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दिया है, H2SO4 के बारे में दिया है, इसका 0.2 ml है, ठीक है, डेसीमोलर है, तो 0.2 ml मतलब 0.2 लीटर और डेसीमोलर मतलब 1/10 मोलर, तो m * v, वॉल्यूम 200 ml था उसको मैंने लीटर में कन्वर्ट किया 0.2, और डेसीमोलर मतलब 1/10, तो ये 0.02 मेरे पास किसके मोल्स है, H2SO4 के मोल्स है, तो ये अगर 0.02 मोल्स है तो इसके मोल्स कितने होंगे, 2:1 का रेशियो है, तो ये ऑब्वियस बात है इसका ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस इनटू 0.02 मतलब 0.04, ये आपके पास मोल्स आ गए, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये 0.04 हो गया, मोलरिटी इसने कितने दी हुई, सेमी मोलर मतलब 1/2, वॉल्यूम हमेशा किस में आएगा, लीटर में आएगा इस केस में, क्योंकि मैंने तो कोई चेंज ही नहीं किया, तो वॉल्यूम बराबर आ जाएगा 0.08। आई होप सो यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी, प्लीज नोट डाउन दैट, ओके ओके। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी क्या कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं फॉर फर्दर प्रैक्टिस, आपको अच्छे से समझ में आए ताकि, ठीक है। कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ अमोनिया गैस, ऑफ अमोनिया गैस, ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी, प्रोड्यूस्ड एट STP when 500 ml of 0.2 molar NH ammonical sulfate NH4 twice SO4 reacts with 250 ml of
0.6 मोलर NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। तो कुछ एक इस क्वेश्चन को करने से पहले एक लिटिल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, याद रखना। कार्बोनेट हुआ या बाइकार्बोनेट हुआ, ठीक है, ये बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? बेसिक। क्यों होते हैं ये इनऑर्गेनिक, मैं आपको मैं ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। ये किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के। तो ये हमेशा किसके साथ रिएक्ट करेंगे? एसिड के साथ। लेकिन अगर अमोनियम आयन हुआ, NH4 प्लस होता है, तो ये किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। ये हमेशा किसके साथ रिएक्ट करेगा? सॉरी, ये एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का। ये हमेशा बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये पॉइंट एक बार दिमाग में याद रखना, ठीक है। अब रिएक्शन मेरा क्या है? NH4 ट्वाइस SO4 प्लस NaOH, ठीक है। अब समझो, ये मेरा किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का। ये किस नेचर का है? मेरा बेसिक। तो ऐसे ड्रेस बेस हमेशा क्या जाएगा? सॉल्ट देते। कुछ नहीं, सॉल्ट बनाने के लिए आयन इंटरचेंज कर दो, ये ट्वाइस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Na2SO4 प्लस ट्वाइस ऑफ NH3 प्लस ट्वाइस ऑफ NH3। तो ये इसका रिएक्शन हो गया। अब समझो बात को, उसने क्या बोला है? 500 ml दिया हुआ था 0.2 m का, तो 500 ml मतलब 0.5 लीटर बराबर इनटू 0.2, मतलब ये कितना हो जाएगा? 0.1, कितना हो जाएगा? 0.1 मोल्स हो गए, ठीक है। अब ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? 250 मतलब 1/4 लीटर, 250 मतलब 1/4 लीटर इनटू 0.6, तो ये कितना हो जाएगा? 40 0.15, तो ये 0.15, ये 0.1 की केस 3। जब दो रिएक्टेंट हो, दोनों के बारे में दिया हो, तो उसमें हमेशा मुझे क्या फाइंड आउट करना है? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का सिंपल तरीका, जितने मोल्स है उसके स्टोइकोमेट्री से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 0.075। तो ऑब्वियस बात है, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। और ये क्या हो जाएगा? मेरा एक्सेल। उसने क्या पूछा? मुझे पूछा है अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा, मतलब मुझे इसका मोल्स पता चल गया, मतलब इसका वॉल्यूम पता चल गया। तो ये अगर ये 2:2 रेशियो है, मतलब जितना ये मोल्स होगा उतना ये भी मोल्स हो गया, मतलब आपको मोल्स पता चल गया 0.15, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ NH3 हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ NH3 हो जाएगा 0.15 × 22.4। किसी बच्चे को फिर भी हार जाता तो ऐसा समझो, निकाल इसका स्टोइकोमेट्री 2, इसका स्टोइकोमेट्री 2 नीचे, और इसी के मोल से क्या करना है, क्योंकि लिमिटिंग एजेंट डिसाइड करता प्रोडक्ट, तो दैट्स व्हाई 0.15 फिर से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, इस तरीके से मैं बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं। यहां तक आई होप सो प्यारे बच्चों, ग्रुप ए का कांसेप्ट सारा आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास और हमारा कंसंट्रेशन टर्म चलेगा, उसके बाद आपका एक प्रोसेस और बचा, ड्यूमास मेथड, कैसिडर मेथड, तो उसको हम लास्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो यहां तक आई होप सो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। प्लीज प्लीज इट्स माय हंबल रिक्वेस्ट टू एवरी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा हो, चाहे वो जेई का चाहे नीट का, प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन। अगर आपको किसी लेक्चर के दौरान कोई भी डाउट आता है, प्लीज एनी टाइम बिफोर 10 o'clock, रात में 10 बजे से पहले आप मुझे कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं। सो आई होप सो आप सब बच्चे आप इतना तो करेंगे, क्योंकि आप एंट्रेंस निकालने के लिए अगर आप यहाँ पे आए हैं तो बिल्कुल, मतलब मैं आई एम विथ यू ऑलवेज, ठीक है। आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू।